हाय गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी डेटाबेस पाइथन में। पिछले दो तीन वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पैरामीटराइज्ड क्वेरी का यूज़ करके कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं जब हम लोग टपल के तौर पर वैल्यूज पास करते हैं। तब हमने सिंगल रॉब इंसर्ट करना सीखा, हमने मल्टीपल रॉब इंसर्ट करना सीखा, हमने यूजर्स इनपुट लेना भी सीखा, कब, जब हम लोग वैल्यूज पास करते हैं टपल के तौर पर तब। अब हम लोग देखेंगे कि डिक्शनरी जब आप यूज़ कर सकते हैं करते हैं टपल की जगह पर हम लोग डिक्शनरी यूज़ करेंगे, यानी कि डिक्शनरी के तौर पर आप पैरामीटर्स पास करेंगे तो उसमें किस तरीके से हमें कोडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है इंसर्ट सिंगल रॉ डिक्शनरी के फॉर्म में। यानी कि जो पैरामीटर आप पास करेंगे वैल्यूज के लिए वह डिक्शनरी के फॉर्म में होगा। तो पहले कनेक्टर हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, कनेक्शन बनाने का कोड एज इट इज हमारा रहेगा, हमारा कोड एसक्यूएल हमारा क्वेरी यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये वाला मैं पूरा डिलीट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चेंज करता हूँ वैल्यूज, क्योंकि हमें यहीं पर चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं आपको बता दिया करूँगा, बाकी जो मेथड्स हैं जनरली सब कुछ सेम रहने वाले हैं। तो वीडियो हमारा लंबा नहीं होगा, प्लस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अगर बीच में से कहीं देख रहे हैं तो बीच में से मत देख के आपको समझ में नहीं आएगा। आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर एंड तक यानी कि सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो अभी की अगर हम बात करें तो अभी हमारा जो ये वैल्यू ये टपल के फॉर्म में है, यानी कि टपल के तौर पर हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। हमें टपल के तौर पर नहीं देना है, बल्कि हम लोग एक तो यहाँ पैरामीटराइज्ड क्वेरी यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर वैल्यू जाना चाहिए, प्लस वो पैरामीटर होना चाहिए डिक्शनरी के फॉर्म में। सो इन दो चीज़ों को हम लोग कैसे अचीव करते हैं वह हमें देखना है। पहली बात, यहाँ हम लोग यहाँ ये चेंज करते हैं कि हमें यहाँ पैरामीटराइज्ड क्वेरी कैसे लिखना है वैल्यूज़ में। तो वैल्यूज़ के बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज यूज़ कीजिए, इन दोनों के बीच में यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में आपको परसेंट लिखना है। परसेंट लिखने के बाद आप फिर से पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कीजिए, और इन दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में आप इसका की लिखेंगे। तो मैं की कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने नेम लिख दिया, देन आपको एस लिखना है, फिर कॉमा दीजिए, फिर दूसरा इसी तरीके से परसेंट लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग, देन रोल लिख दिया, कुछ भी लिख सकते थे आप, एस लिखना है, फिर एक और परसेंट दीजिए, फिर यहाँ पर फीस, और यहाँ पर एस लिख के। जब हम लोग टपल पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ परसेंट एस लिखते थे, लेकिन जब आप डिक्शनरी का यूज़ करते हैं तो आपको परसेंट और ये हमारा की हो गया वैल्यू के लिए, जो भी आएगा पैरामीटर के तौर पर उसका की है, और आपको एस तो लिखना ही है। सो ये हमारा पैरामीटराइज्ड क्वेरी के लिए सिंटैक्स है। वही पैरामीटर हम लोग पास कैसे करेंगे, तो पैरामीटर हम लोग एग्जीक्यूट मेथड से देते हैं। यहाँ पर आपको सिंपलिस्ट तरीके से टपल के फॉर्म में नहीं देना है, बल्कि ये हमारा होगा डिक्शनरी के फॉर्म में। तो यहाँ डिक्शनरी के लिए हम लोग लिखते हैं कर्ली अपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर आप डिक्शनरी का जो होता है वह फॉर्म है होता है की वैल्यू का पेयर। तो जो की मैं यहाँ लिखूँगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम, और इसके लिए वैल्यू लिख देता हूँ समीर, तो जो की आपने यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, वही की आपको यहाँ पर लिखने का है। ठीक, वैल्यूज़ में जो आप की लिखते हैं वो आप कहाँ से लिखते हैं, यहाँ जो डिक्शनरी में आप की लिख रहे हैं वह, इससे क्या होगा, इससे ये समीर चला जाएगा इस वाले के पास। देन कॉमा देकर आप दूसरा की वैल्यू का पेयर लिखे, तो दूसरा हमारा की है रोल, तो मैंने रोल लिखा, और इसके लिए मैं वैल्यू लिखूंगा, तो मैं इसके लिए वैल्यू लिख देता हूँ 777, ये पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। देन फीस भी हमें मेंशन करना है, तो फीस सिंगल कॉट के अंदर में की लिखना है, बिकॉज की हमारा एक स्ट्रिंग है। उसके बाद इसमें हम लोग लिख देंगे इसका फीस। सो ये जो डिक्शनरी है ये चला जाएगा यहाँ वैल्यूज़ के तौर पर। अभी यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपने की किसको लिखा है, ये वाला की हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ जो भी आप लिखते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर n लिखूँ तो मुझे यहाँ पर n लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ r लिखता हूँ तो मुझे यहाँ r लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ अगर f लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर f लिखना पड़ेगा। तो मैंने पूरा नाम लिखा हुआ था, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हम लोग किसके लिए वैल्यू पास कर रहे हैं, किस कॉलम के लिए, आइडेंटिकल होने से। मगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे रहने दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसको हम लोग करते हैं सेव, सेव करके इसको हम लोग रन करेंगे। अब इसको रन करने से पहले मैन्युअली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे डेटाबेस में क्या क्या डेटा है। सो MySQL का हम लोग कमांड लाइन ओपन करते हैं, ये इसका पाइथन से कोई लेना देना नहीं है। मैं फॉन्ट को छोटा ही रहने देता हूँ, हम लोग बस ऐसे देख लेंगे। मैंने पासवर्ड दिया, और यहाँ पर हम लोग यूज़ BDB, मैंने डेटाबेस को यूज़ किया। देन अब इस डेटाबेस में से टेबल निकाल रहा हूँ स्टूडेंट नाम का, जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो मैंने किया इंटर प्रेस, और हमें अभी जो लेटेस्ट डेटा दिखाई दे रहा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मे भी आपको ये छोटा छोटा दिखाई ना दे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें 11 नंबर है लास्ट में, जावा स्क्रिप्ट 143 रोल और
फिर से 1000, तो यहाँ 12वां हमारा इंसर्ट होगा। सो इसको किया मैंने सेव, सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को मुझे रन करने की आवश्यकता है, तो रन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये कनेक्ट हुआ, एक रो हमारा इंसर्ट हुआ, स्टूडेंट आईडी यहाँ 12 इंसर्ट हमें बता रहा है। नीचे का कोड होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने एग्जीक्यूट मेथड यहाँ पर लगा जिससे कि हमारा ये क्वेरी रन करे इसके अगेंस्ट में। देन चूंकि हमारा डेटा चेंज हो रहा है, यानी कि टेबल में कुछ हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो उसको कमिट करना पड़ेगा जिससे कि जो चेंज हुआ है वो हमारा सेव हो जाए। देन इस रॉ काउंट से हम लोग कितना रॉ अफेक्ट हो रहा है उसका काउंट कर लेते हैं, और लास्ट रॉ आईडी इस प्रॉपर्टी से हम लोग हमारा लास्ट रॉ का क्या आईडी होगा वह हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देन अगर कोई प्रॉब्लम होती इंसर्ट करने में, तो हमें ये रोल बैक होता, फंक्शन रन करता और प्रिंट होकर हमें मिलता अनेबल टू इंसर्ट डेटा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए सक्सेसफुली हमारा इंसर्ट हुआ और हमें ये वाला मैसेज देखने को मिला। अभी हम लोग मैनुअली चेक कर लेते हैं कि वाकई में हमारा समीर नाम का डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। तो मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा ही कर लेता हूँ। सो वापस से हम लोग टेबल रन करेंगे, देखिए समीर नाम का डेटा हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ओके सो हम लोगों ने यहाँ डिक्शनरी का यूज़ किया और इसका डेटा इंसर्ट करवाया पैरामीटराइज्ड क्वेरी का यूज़ करके। अब टपल वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? टपल में आपको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता था, यहाँ अगर पहला अगर आपने नेम के लिए लिखा हुआ तो पहले यहाँ आपको नेम ही देना होता था, दूसरा रोल के लिए यहाँ पर आपको दूसरा रोल ही देना है। लेकिन जब आप डिक्शनरी का यूज़ करते हैं तब को ऑर्डर मेंटेन करने का आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज ये बाइंड हो रहा है की से। तो अगर मैं इस रोल वाले को बीच में से हटा कर अगर लास्ट में भी कर दूं, यहाँ पर कर दूं, तो भी हमारा काम चलेगा, ये की को देखकर बाइंड करेगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ रोल नंबर है, बट मैंने इसको पास किया है थर्ड नंबर पर। मैं ऐसे चेंज कर दूं समीर की जगह पर, अगर मैं कर देता हूं सुजीत और रोल नंबर हम लोग कर देते हैं 1, 2, 3, बाकी फीस वही रहने देता हूँ। सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो ये हमारा इंसर्ट हो गया 13 नंबर का आईडी। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए हमारा सुजीत रोल नंबर अपनी जगह पर सेम बढ़िया तरीके से, और फीस अपनी जगह पर है। तो यहाँ आपको ऑर्डर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब आप यूज़ करते हैं डिक्शनरी का तब। अभी यहाँ पर लिखने के बजाय, इस तरीके से मेसी बनाने के बजाय, आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं परम्स नाम का, और इक्वल साइन देकर जो डिक्शनरी हमने वहाँ बनाया था वो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, और यहाँ पर सिंपली हम लोग परम्स लिख देंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो चेंज करता हूँ मैं, सुजीत की जगह कुछ और नाम लिखते हैं, सुजीत की जगह हम लोग नाम लिख देते हैं कुणाल, और इसका फीस चेंज कर देते हैं। अभी देखिए ऑर्डर हमारा अलग है, ये 1, 2, 3 में रोल नंबर, नहीं तो रोल नंबर चेंज कर देता, रोल नंबर हम लोग 111 ऐसा डाल देते हैं। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको करेंगे जी रन पहले, क्योंकि इंसर्ट हो गया 14th नंबर का आईडी हमारा इंसर्ट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा कुणाल इंसर्ट हो गया, देखिए कुणाल हमारा इंसर्ट हो गया 14th नंबर। ये तरीका है जब आप यूज़ करते हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी और सिंगल रो इंसर्ट करते हैं डिक्शनरी के फॉर्म में पैरामीटर को पास करके, ये है आपका सही तरीका। इस तरीके से पहले एक वेरिएबल में डालिए, देन इसको आप यहाँ पर लिखिए, इससे कोड आपका मेसी नहीं होगा, मेंटेन करने में आपको आसानी होगी। ध्यान में रखिएगा कि वैल्यूज़ जब आप लिखेंगे तो यहाँ आपको परसेंट के बाद पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोज के अंदर में यहाँ पर की लिखना है, और ये की वही की है जो आप यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि ये वाला आपने लिखा हुआ यहाँ, और ये वाला एफ आपने लिखा हुआ यहाँ, और ये आर आपने लिखा हुआ है यहाँ। ओके तो ये ध्यान में आपको रखना है। और यहाँ पर आप कॉलम का नाम लिखते हैं अपने डेटाबेस से देख कर, और ये आपका टेबल का नाम हो गया, ये इंसर्ट इनटू हमारा क्वेरी है एसक्यूएल का। ओके तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मल्टीपल रॉज अगर मुझे इंसर्ट करना है इसी तरीके से डिक्शनरी का यूज़ करके, तो वह कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।